रणबीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता। उसका अगला कदम क्या होगा? आई अंडरस्टैंड। Then remember what I taught you, Khaled. मौका मिला तो गोली चला देना। ये कहानी है एक ऐसे जासूस की जिसने अपने माँ और बीवी दोनों से एक बराबर प्यार किया है। ये कहानी है बलविंदर की। एक बच्चा जो कि मिडिल क्लास फैमिली में बड़ा हुआ, सब अच्छा चल रहा था कि एक दिन अचानक से उसके घर पर संडे की सुबह लोगों ने पत्थर मारने चालू कर दिए। जब वो पत्थर आड़ रहे थे ना, बलविंदर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर लोगों ने घर के बाहर रखे गमलों में आग लगानी चालू कर दी। जब तक बलविंदर कुछ समझ पाता ना, एक पत्थर आकर उसके पापा के सर पर लगा और किसी ने जोर से चिल्लाया, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जब तक वो कुछ समझ पाता, तब तक कुछ लोगों ने उसके पापा को घर से बाहर खींच लिया और बाहर चौराहे पर उसकी आंखों के सामने उसके पापा पर पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दी। वो छोटा सा बच्चा देखता रह गया। फिर अपनी माँ के साथ बिना घर के बलविंदर इधर उधर भटकता रहा। तभी उसको एक गुरुद्वारा मिला जहाँ वो और उसकी माँ सेवा करते और रात को सोते। वहाँ पर एक दर्जी थे जिन्होंने उनको कभी भूखा नहीं सोने दिया। थोड़ा बड़ा होने के बाद वो एक स्कूल में जाने लगा। वो खेल में काफ़ी अच्छा था। तभी उसके पास एक आदमी आया जिसने उसको अपने साथ काम करने के लिए पूछा। बलविंदर सिर्फ 16 साल का था और वो नहीं जानता था कि आखिर उसको क्या करना है, लेकिन वो मान गया क्योंकि अपनी माँ का अकेला सहारा वही था। मिस्टर राव ने अब बलविंदर को ट्रेनिंग देनी चालू कर दी। बलविंदर हर एक तरीके से अच्छे से सीखता जा रहा था और राव भी उससे बहुत खुश था। अब बलविंदर को बताया गया था कि वो रॉ का एजेंट है और उसके पास यही मौका है कि वो अपने पापा के नाम से ये गद्दार वाला कलंक हटा दे। बलविंदर की जिंदगी का अब यही मकसद था। पहले बलविंदर को आसान कामों के लिए भेजा गया था जहाँ उसको कोई रिस्क नहीं था, बस उसको अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सिचुएशंस को हैंडल करना था। बलविंदर ने वो सारे टेस्ट्स पास कर लिए। अब बलविंदर को उसके पहले मिशन पर भेजा गया जहां पर उसको एक दूसरे देश जाना था। वहां खुद को उन लोगों जैसे बनाना था और किसी को पता नहीं चलने देना था कि आखिर वो कौन है। बलविंदर अपनी नई जर्नी शुरू करने के लिए एकदम तैयार था। बलविंदर मिस्टर राव को अपना सबसे ट्रस्ट वर्दी इंसान मानता था, इसलिए उसने जाने से पहले वादा लिया था कि वो उसकी माँ का ध्यान रखेंगे और मिस्टर राव ने भरोसा रखने को कहा और फिर बलविंदर वहाँ से फ्लाइट में बैठकर निकल गया। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ही मिलती जुलती कहानी हो सकती है फिल्म वॉर 2 की। तो आपका क्या कहना है वीडियो के बारे में, हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएँ।